यूपी की अमेठी सीट इस बार हॉट सीट है क्योंकि यहां से केंद्रीय मंत्री और भारतीय जनता पार्टी के उम्मीदवार स्मृति ईरानी फिर से चुनाव मैदान में। वहीं कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार हैं किशोरी लाल शर्मा। सोमवार को अमेठी में वोटिंग हुई और इसी वोटिंग के दौरान दोनों प्रत्याशियों के बीच नोक झोंक भी हो गई। दरअसल केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी और कांग्रेस उम्मीदवार किशोरी लाल शर्मा के बीच तिलोई क्षेत्र के रस्तामऊ गांव में नोक झोंक देखने को मिली। पुलिस प्रशासन ने और अधिकारियों ने जैसे तैसे मामले को शांत कराया, लेकिन दोनों की तनातनी के तमाम वीडियो और तस्वीरें सोशल मीडिया पर वायरल है। दरअसल हुआ यूं कि करीब 3 बजे रस्तामऊ के प्राथमिक विद्यालय में पोलिंग बूथ के सामने 70-80 लोग मुस्लिम समुदाय के लोगों के साथ किशोरी लाल शर्मा बातचीत कर रहे थे। कांग्रेस के लोगों का कहना है कि एक समाचार चैनल से बातचीत के दौरान किशोरी लाल वहां खड़े हुए थे, तभी बीजेपी प्रत्याशी का काफिला वहां से निकला और स्मृति ईरानी ने अधिकारियों से पूछ लिया कि क्या मतदान के दौरान बूथ के सामने ऐसी हरकत हो सकती है। इसी बीच दोनों उम्मीदवारों के बीच नोकझोंक शुरू हो गई। पुलिस ने बीच बचाव किया और कांग्रेस प्रत्याशी को वहां से जाने के लिए कह दिया। हालांकि उप जिलाधिकारी आशीष सिंह ने ऐसे किसी झगड़े से इनकार किया है, लेकिन इन दोनों के बीच में जो नोकझोंक हुई वो पूरे जिले में चर्चा का विषय बनी हुई है। हालांकि यहां मतदान बड़ी संख्या में हुआ और दोनों में कांटे का मुकाबला है। मैं तैयार हूं कहीं भी किसी टाइम भी नरेंद्र मोदी डिबेट करें मेरे साथ। आपको क्या लगता है नरेंद्र मोदी डिबेट करने आएंगे? नहीं आ सकते हैं, क्योंकि मैं आपको बताता हूं क्या होगा। पहला सवाल मैं उनसे पूछूंगा, नरेंद्र मोदी जी आप मुझे बताइए ये अदानी जी जो है इनका आपके साथ क्या रिश्ता है? पहली बार वहीं फंस जाएंगे। उसके बाद मैं इनसे पूछूंगा, भैया आपने ये जो इलेक्टोरल बॉन्ड्स का धंधा जो चलाया है, हफ्तेबाजी जो की है, तो ये इलेक्टोरल बॉन्ड्स मुझे समझा दो। इसी में नरेंद्र मोदी फंस जाएंगे, डिबेट वहीं खत्म हो जाएगी। फिर मैं पूछूंगा ये जो काले कानून आप लाए जिसके कारण आपके सारे के सारे कैंडिडेट घेरे जा रहे हैं पंजाब में, हरियाणा में, महाराष्ट्र में, हिमाचल का जो सेब आपने किसानों से छीन कर अदानी को दिया, इसके बारे में आप समझाइए। फिर उसके बाद मैं कहूंगा, नरेंद्र मोदी जी जब कोरोना में लोग मर रहे थे, गंगा में लाशों के ढेर पड़े थे, बेटे अपने माता पिता को मरते देख रहे थे, आपने देश को थाली बजाने के लिए क्यों कहा? मोबाइल फोन चलाने के लिए क्यों कहा? उसके बाद मैं पूछूंगा, मोदी जी एक बात बताइए, आपने वो जो शी जिनपिंग है उसको झूले पे झुलाया, उसको आपने समोसा खिलाया और वो हिंदुस्तान की दिल्ली जितनी जमीन उठा के ले गया, उसकी आर्मी आज तक उसमें बैठी हुई है, ये आपने क्या किया? उसके बाद मैं पूछूंगा, नरेंद्र मोदी जी अग्निवीर स्कीम जो आप लाए, ये मुझे बताइए आप अग्निवीर स्कीम क्यों लाए? दो तरीके के शहीद आपने क्यों बनाए? डिबेट में ये भी पूछूंगा, नरेंद्र मोदी जी गैस सिलेंडर का दाम के बारे में बताइए, महंगाई के बारे में बताइए, बेरोजगारी के बारे में बताइए। तो नरेंद्र मोदी डिबेट नहीं कर सकते हैं।